हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक है। आज हम क्लास 12 मैथ्स का न्यू सैम्पल पेपर 2016-17 के लिए जो आया है उसके सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 19 से 21 तक सॉल्व करेंगे पार्ट 6 में। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसको चेक करने के लिए पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि होमोजीनियस है कि लीनियर है या आपका सेपरेट वेरिएबल है। होमोजीनियस के लिए क्या होता है कि कोई भी ट्रिगो फंक्शन दिया है तो टैन में एंगल जो एक्स बाई वाई या टैन वाई बाई एक्स होना चाहिए। एंगल आपका एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स होगा तभी होमोजीनियस, तो ये ऐसा नहीं है, इसलिए होमोजीनियस नहीं है, यहाँ वाई है केवल। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, देखेंगे कि सेपरेट वेरिएबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 + tan y डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 2x dy इक्वल टू 0। इसे इंटू करेंगे तो 1 + tan y डी एक्स माइनस 1 + tan y डी वाई प्लस 2x dy इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम dy कॉमन लेंगे तो 1 + tan y + 2x आ जाएगा, तो dy के साथ इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, इसलिए सेपरेट वेरिएबल नहीं हो पाएगा, तो बचता है यह है आपका लीनियर। तो ये लीनियर बनेगा। लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें टर्म जो है आपका y का ज़्यादा है, y का ज़्यादा, x का एक ही टर्म है, इसमें y ज़्यादा है, इसलिए इसमें जो फॉर्मेट आएगा dx/dy + px = q। इसको हम क्या करेंगे, 1 tan y dy से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 1 + tan y dy। इसे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 tan y से 1 tan y कट जाएगा, dx/dy आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे 1 tan y dx/1 tan y dy माइनस 1 + tan y dy upon 1 + tan y dy plus 2x dy upon 1 + tan y dy = 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा dx/dy - 1 + इसको ऐसे ले लेंगे 2, ये dy से dy कैंसिल हो जाएगा, 2/1 + tan y (x = 0। ये 1 इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा dx/dy + 2/1 + tan y (x = 1। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, इस फॉर्मेट से आएगा ये dx/dy + px = q। इससे क्या हो जाएगा, p की वैल्यू ये हो जाएगी और q की वैल्यू ये हो जाएगी, तो p = हो जाएगा 2/1 + tan y, q = हो गया 1। अब हम ये p और q की वैल्यू आ गई, इसके बाद निकालते हैं if, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, द e^(p dy). अब p की वैल्यू ये है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन p की वैल्यू 2/1 + tan y dy, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/1 + tan को साइन बाई कॉस कर देंगे तो ये sin y / cos y dy, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/1, ये हो जाएगा कॉस, यहाँ आ जाएगा cos y + sin y, ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos y + sin y (2cos y dy। इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा sin y + cos y, इसको ब्रेक कर देंगे हम, cos y + यहाँ ले लेते हैं sin y + cos y - sin y dy। इसको एक बार इससे इसको डिवाइड करें, एक बार इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा dy + cos y - sin y upon sin y + cos y dy। इसका डेरिवेटिव ये आएगा, तो फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन दिया है, यहाँ दिया f - x, यहाँ दिया f x, इसका डेरिवेटिव ये है
dx दिया है तो ये हो जाता है log एफ एक्स, तो इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y, यहाँ दिया 1 dy, तो इसका इंटीग्रेशन y हो गया और इसका इंटीग्रेशन log साइन y प्लस cos, इस फार्मूले से हो जाएगा, क्योंकि इसको हम पुट करेंगे t, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, इसको पुट करेंगे t और इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, इसलिए 1/a हो गया t और 1/t का log t, log t को ये डायरेक्ट हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे, log साइन y प्लस cos y, तो if हो जाएगा e पावर y प्लस log साइन y प्लस cos y, ये हो जाएगा e पावर y इंटू e पावर log साइन y प्लस cos y, फार्मूला होता है e पावर log x, x होता है तो e के पावर log है तो ये आ जाएगा यहाँ पे e पावर y साइन y प्लस cos y, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो गया आई एफ। अब इसका सोलूशन क्या होता है, सोलूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी वाई प्लस सी, एक्स आई एफ की वैल्यू ये हो जाएगी e पावर y साइन y प्लस cos y इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू फिर से लिखेंगे e पावर y साइन y प्लस cos y डी वाई प्लस सी, इसमें क्या है इसका डेरिवेटिव ये होता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू e पावर x एफ एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव यहाँ दिया हो और e पावर x हो यहाँ पे, तो ये फार्मूला होता है e पावर x एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ये दिया है और यहाँ e पावर y है तो ये हो जाएगा e पावर y साइन y प्लस सी, देर होगा एक्स ई पावर वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जब भी ई पावर एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स होता है तो ये होमोजीनियस होता है, साइन में भी एंगल जब एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स हो तो होमोजीनियस, ये आपका ऐसे ही होमोजीनियस हो गया। अब सब तो 1 प्लस ई पावर एक्स बाई वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस हो जाएगा यहाँ से ई पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई, हमको निकालना होता है इसमें डी एक्स अपॉन, क्योंकि एक्स बाई वाई होगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई में आएगा, तो ये इधर आएगा इधर साइड चला जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स बाई वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एफ एक्स बाई वाई, ये फंक्शन एफ एक्स बाई वाई में हो गया, इसलिए क्या हो गया ये होमोजेनियस हो गया, देयरफॉर इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, इसको 1 ले लेंगे। अब इसमें हम पुट करते हैं एक्स बाई वाई इक्वल टू वी, तो एक्स इक्वल टू हो गया वी वाई, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो जाएगा एक्स का हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू इसमें u इंटू वी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा v इंटू वाई का 1 हो गया प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई। अब x बाई वाई की वैल्यू v और dx एक्स बाई डी वाई की वैल्यू ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 v प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस ई पावर वी, वी को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई पावर वी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा वी ई पावर वी अपॉन 1 प्लस ई पावर वी माइनस वी, ये वी इस साइड ट्रांसपोज हो गया, अब यहाँ हो गया माइनस ई पावर वी प्लस वी ई पावर वी, इसका यहाँ इंटू हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी माइनस वी ई पावर वी अपॉन 1 प्लस ई पावर वी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ई पावर वी प्लस वी अपॉन 1 प्लस ई पावर वी और टू वाई डी वी बाई डी वाई। अभी यहाँ सेपरेट वेरिएबल करते हैं, वाई को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ये इस साइड आ जाएगा 1 प्लस ई पावर वी अपॉन ई पावर वी प्लस वी इक्वल टू माइनस ये रह जाएगा यहीं पर 1 अपॉन वाई डी वाई और यहाँ इंटीग्रेशन लगा लेंगे ये हो जाएगा डी वी, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे ये आ जाएगा, इसको हम टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, यहाँ साइड में कर देते हैं पुट वी प्लस ई पावर वी इक्वल टू टी
वी का डेरिवेटिव वन हो गया और ई पावर वी का ई पावर वी हो जाएगा डी, ये डी वी होगा, डी वी इक्वल टू डी टी, तो ये वन बाई टी हो जाएगा और वन बाई टी का लॉग होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग वन वी प्लस ई पावर वी इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी वन, ये कांस्टेंट ले लेंगे हम। अब इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग वी प्लस ई पावर वी प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी वन। अब ये लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया, प्लस है तो ये आप मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग वी प्लस ई पावर वी वाई इक्वल टू लॉग सी वन। दोनों साइड लॉग कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा वी प्लस ई पावर वी वाई इक्वल टू, ये प्लस माइनस सी वन आएगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहाँ क्या करेंगे, वी की वैल्यू जो हमने पुट किया था एक्स बाई वाई उसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई प्लस ई पावर एक्स बाई वाई वाई इक्वल टू सी ले लेंगे, प्लस प्लस माइनस सी वन जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू ई पावर एक्स बाई वाई इक्वल टू सी। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई ई पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी। प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ये ए बी सी होता है, एस टी पी होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एल एच एस ले लेंगे, इस हो जाएगा ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी। ए डॉट इसको पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी से करेंगे तो हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस टू बी क्रॉस बी प्लस थ्री बी क्रॉस सी। फिर सी से करेंगे तो हो जाएगा सी क्रॉस ए प्लस टू सी क्रॉस बी प्लस थ्री सी क्रॉस सी। ए से अब डॉट निकालेंगे, ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस टू आ जाएगा यहाँ पे, ए डॉट b क्रॉस b प्लस थ्री ए डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट c क्रॉस a प्लस टू a डॉट c क्रॉस b प्लस थ्री a डॉट c क्रॉस c। ये हो जाएगा a डॉट b क्रॉस c होता है a b a, ये था a डॉट b क्रॉस a प्लस टू a डॉट b क्रॉस b a b b प्लस थ्री a क्रॉस a डॉट b क्रॉस c a b c प्लस ए सी ए प्लस टू ए सी बी प्लस थ्री ए सी सी। जहाँ रिपीट हो रहा है ए बी बी सी सी, इनकी वैल्यू जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ये चारों टर्म ये आपके जीरो हो जाएंगे, ए बी ए ये जीरो हो जाएगा, उस तरह ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा और ए भी जीरो हो जाएगा, ये चारों जीरो हो जाएंगे, बच जाएगा ये आप थ्री ए बी सी। अब ये जो दिया है ए सी बी, ए सी बी यहाँ से आया था, यहाँ हम क्या करते हैं टू ए डॉट सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी को लिखते हैं टू ए डॉट, ये माइनस हो जाएगा बी क्रॉस सी, अब बी क्रॉस सी होगा तो ये माइनस टू ए बी सी हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे माइनस टू ए बी सी, यहाँ से आ जाएगा ए बी सी, ये आ गया आर एच एस हेंस प्रूफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स। इसमें L1 ले लेंगे हम, x माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू y माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस ए अपॉन फोर, और L2 हो जाएगा x माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू y माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जेड, इसको हम ऐसे लिख देते हैं जेड माइनस जीरो अपॉन वन। अब इस लाइन को ये कार्टेशियन में दिया है, भी कार्टेशियन में दिया है, दोनों को हम क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे पहले, तो वेक्टर में लिखेंगे तो इसका क्या आएगा वेक्टर फॉर्म, L1 का वेक्टर फॉर्म होगा R इक्वल टू A, A के जगह जो वेक्टर आता है ये और ये और ये लगेगा आपका, तो ये आ जाएगा I माइनस टू जे, ये माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस तभी ये प्लस आ जाएगा, A के प्लस लेमडा इंटू ये हो जाएगा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ये था वेक्टर फॉर्म। यहाँ से A1 जो होगा वो i प्लस टू जे प्लस ए के हो जाएगा, और B1 जो होगा यहाँ से 2i प्लस थ्री जे प्लस फोर के होगा। अब जो L2 दिया है इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा R इक्वल टू यहाँ से आएगा 4i कैप प्लस j कैप यहाँ से आएगा, और k के प्लस जीरो है तो ये जीरो इंटू k कैप आप लिख सकते हैं, प्लस म्यू यहाँ से जाएगा 5i कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप,
यहाँ से ए टू हो गया फोर आई कैप प्लस जे कैप और बी टू हो गया फाइव आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। इसमें कह रहा है कि लाइन ए की वैल्यू निकालना है सो दैट लाइन आर स्कू लाइन। स्कू लाइन्स में क्या होता है, लाइन्स पैरेलल भी नहीं होनी चाहिए और लाइन इंटरसेक्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, तब वो लाइन आपकी क्या होती है, स्कू लाइन्स होती है। तो पैरेलल के लिए हम क्या देखते हैं कि बी वन जो है वो बी टू के इक्वल होना चाहिए या इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो न इक्वल है न ये प्रोपोर्शनल है, बी वन नॉट इक्वल टू बी टू, देयरफॉर लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ये लाइन पहली कंडीशन तो मिल गई कि लाइन्स पैरेलल नहीं होगी, इसमें दिखाना है कि ये इंटरसेक्टिंग नहीं करेगी। इंटरसेक्टिंग नहीं करेगी इसका मतलब हुआ कि जो दोनों लाइन है दोनों लाइन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जब जीरो नहीं होगा तो वो लाइन आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि तो डी के ये फार्मूला होता है, दो लाइन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मॉड। हम क्या निकालेंगे, पहले ए टू माइनस ए वन निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन आएगा यहाँ से ए टू था आपका फोर आई प्लस जे और ये ए वन आपका ये आ गया फोर आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस ए के कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो फोर आई में से आई जाएगा तो थ्री आई कैप प्लस जे और माइनस तो माइनस जे कैप और माइनस ए के कैप। हम निकालेंगे बी वन क्रॉस बी टू हो जाएगा आई जे के, बी वन की वैल्यू यहाँ थी टू थ्री फोर टू थ्री फोर, बी टू की वैल्यू थी यहाँ फाइव टू वन फाइव टू वन। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा थ्री माइनस एट आई कैप माइनस ये ऐसे आ जाएगा तो आप आ जाएगा टू माइनस ट्वेंटी जे कैप प्लस फोर माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन के कैप, एट में से थ्री जाएगा माइनस फाइव आई कैप माइनस एटीन और ये हो जाएगा माइनस टू का प्लस एटीन जे कैप और ये हो जाएगा माइनस फिफ्टीन में से फोर गया एलेवन के कैप। ये आ गया बी वन क्रॉस बी टू। हमको दिखाना है कि लाइन स्क्यू लाइन्स है तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर स्क्यू लाइन ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जब जीरो हो जाएगा ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो बाई समथिंग क्या होता है आपका जीरो हो जाएगा, तो डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये न्यूमरेटर का टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये लाइन क्या होगी स्क्यू लाइन्स। ये कंडीशन होगी, इसमें ये वैल्यू ए टू माइनस वन क्रॉस बी टू की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो यह जाएगा थ्री आई कैप माइनस जे कैप माइनस ए के कैप डॉट बी वन क्रॉस बी टू की वैल्यू आई है माइनस फाइव आई कैप प्लस एटीन जे कैप माइनस एलेवन के कैप इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। इसको डॉट निकालेंगे यहाँ से, थ्री से इसमें इंटू करेंगे तो माइनस फिफ्टीन और जे करेंगे माइनस एटीन और ये होगा माइनस एलेवन ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये एलेवन ए नॉट इक्वल टू ये दोनों को सम करेंगे थर्टी थ्री आएगा, इधर से जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू थर्टी थ्री बाई एलेवन तो ए नॉट इक्वल टू थ्री, हेंस फॉर ए नॉट इक्वल टू थ्री लाइन्स आर स्क्यू। आशा करता हूँ कि आपको सभी सवाल समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, आप चाहे तो कोई भी डाउट फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। नए वीडियो के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।